चार रिसाले हैं आला हजरत की इस मसले की वजाहत में और मेरी गुजारिश है किबिला मुजफ्फर शाह साहब की बारगाह में कि एक रसाले का मुकम्मल दरस वो रिकॉर्ड करवा दें और वो बड़े शौक से नाम ले रहे थे कि हम मशहदी मानते हैं तो जनाबे इरफान शाह साहब को मानते हैं तो उनसे भी जरा आला हजरत का मौकफ हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तारे में वो भी एक रिसाले का दरस दें और उनके बड़े ही चहीते हर मकाम पर उनके साथ साय की तरह साथ रहने वाले सर पर मीनार पाकिस्तान उठाने वाले उनको भी दावत दे है दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है तो एक रिसाले का दरस वो दे दें और एक रिसाले का दरस उनके ताज़ा ताज़ा दोस्त रियाद हुसैन शाह साहब वो भी दें आला हजरत का मौक़ अहले सुन्नत के सामने ये चारों हस्तियां पेश कर दें आला हजरत की बोली में हमें समझा दें कि मसला ये है तो फिर हम सर तस्लीम खम कर दें

कि इमाम जलाली की गिरफ़्तारी के बाद अकायद सुन्नत पर दुश्मन ने मिलत दुश्मन मजहब दुश्मन मसल के हमले शदीद तर होते जाएंगे और अफसोस के साथ इन्हीं हालात का अब सामना है हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तुकी की शान पर तान तशनी वो तो दुश्मनानाविया का सदा वतीरा रहा अफसोस इस बात पर शदीद हुआ कि जब उस तान के मुकाबले में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तू की शान में आह सुन्नत ने भरपूर क़दम उठाया और हम भरपूर खराज तहसन पेश करते हैं कि फ़ितरत अफराद से एकमास भी कर लेती है मगर करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी मुआफ़ तो उन्होंने मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए भरपूर क़दम उठा कर हज़रत अमीर मुवी रजील्ला शानमत को उसी मकाम पर बुलंद किया जिस मकाम पर माज़ल्ला उन पर तान व तशनी का दरवाज़ा खोला गया तो ये दिफाई लिहाज से हजरत अमीर मुआव रजील् तह की शान को बयान किया गया अफसोस के इस पर भी अहले सुन्नत कहलाने वाले मसल के रज़ा के पासबान बनने वाले उनको इस हद तक भी बर्दाश्त नहीं है कि हजरत अमीर मुआव रजीला तुकी शान का दिफा किया जाए कल तक तो रोकते थे कि शान कोई ना बयान करे और शान बयान करना तो एक अलग मसला सिर्फ उनकी ज़ात का दिफा और दिफा भी उस वक़्त जब तानो तशनी का दरवाज़ा खुला और दरवाजा भी उन्होंने खोला कि जो है ही दुश्मनान मुआविया सादा लफ्जों में एक तरफ दुश्मनान हैं कि जो सरेआम तानो तशनी करना चाहते हैं और एक तरफ अपने हैं जो हजरत मीर मावी रजीला तफा की इजाज़त नहीं देते तो ये मसला बड़ा ही गंभीर है बड़ा ही पेचीदा हो चुका है आला हजरत इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा र्ल आपकी तालीम और आपके मसलक पर पाबंद रहना यह सुन्नत पर लाजिम है इस मसले में भी हमारी यही इल्तिज़ा है कि बड़े आए और बड़े आकर इस मसले को वाजे करें मेरे जैसे छोटे बंदे की आवाज कितने लोग सुनेंगे बड़े बड़े हजरात जिन्होंने अपने पीछे लाखों आवाम को लगाया हुआ है उनकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त मैदान में आकर हर शहर हर चौक में हजरत अमीर माविया रजीला की शान का दिफा हो और जो जो रोकना चाहते हैं उनका नात का बंद किया जाए खैर मुख्तसर ये है कि इन हालात में पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब आपने एक दुरुस्त कदम तो जरूर उठाया लेकिन उनकी भी आगे बड़ी मजबूरियां हैं एक तरफ मसल के दिफा का भी उनको दर्द है और एक तरफ अपने रिश्तेदारियां बचाने का भी उनको पूरा पूरा एहसास है तो ये एक दो रंगी की कैफियत में हजरत इस वक्त मुबतला है तो मेरी बड़ी आज़ाना इल्तमास है कि हजरत इस वक्त कम अज कम अपने करीबी रिश्तेदारों से और मसल के जितने बड़े हैं उनसे इमाम सुन्नत फतावर रवैया इसकी रोशनी में इस मसले को वाजें करें और सब से मनवाएँ कि इस मसले में इमाम सुन्नत का क्या मौकफ़ है उम्मत बड़ी मुश्किल से इमाम अहमद रजा पर मुत्तफिक है अहले सुन्नत उन्हीं की जात पर जाकर मुत्तफिक होते हैं आज कोई भी उठ जाए और तरह तरह के नारे तरह तरह के मुखालते पेश करता रहे वो हमें काबिल कबूल नहीं है हमें हमारे इमाम का मौक़ दिखाया जाए कि उन्होंने किस अंदाज से बयान किया तो मैं मुख्तसरा किबला साहब की बारगाह में मुजफ्फर शाह साहब की बारगाह में ये फतावर रविया जिल्द नंबर पांच मेरे हाथ में है इसके सफा नंबर चार सौ अठहत्तर पर इमाम अली सुन्नत ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तु के बारे में अपना जो मौक़ पेश किया है गुजारिश है कि इस मौक़ को दरवाजे करें आला फरमाते कि मसल अमीर मुआविया रदी अल्लाह तन की तहकी व तनकीह फकीर के रिसला अलबुश्राजिला अल मिन जिलारा ये एक रिसाला है आला हजरत का चार रिसालों का आला हजरत ने नाम लिया फरमाते हैं कि इस मसले की मुकम्मल वजाहत इन चार रिसालों के अंदर मौजूद है एक रिसाला ये है दूसरा है अल अलहदीसराविया राविया मदल अमीर मुआविया तीसरा अरशुल एजाज अवल मलुक इस्लाम और चौथा रिसाला है वाहिया जब्बुलवाविया रदी अल्लाह चार रिसाले हैं आला हजरत की इस मसले की वजाहत में और मेरी गुजारिश है किबिला मुजफ़्फ़र शाह साहब की बारगाह में कि एक रिसाले का मुकम्मल दर्स वो रिकॉर्ड करवा दें और वो बड़े शौक से नाम ले रहे थे कि हम मशहदी मानते हैं तो जनाबे इरफान शाह साहब को मानते हैं तो उनसे भी जरा अला हजरत का मौक़ हजरत अमीर तआला रजील के बारे में वो भी एक रिसाले का दरस दें और उनके बड़े ही चहीते हर मकाम पर उनके साथ साए की तरह साथ रहने वाले सर पर मीनार पाकिस्तान उठाने वाले उनको भी दावत दें चूंकि आपका चूंकि एक सिलसिला है इरफान शाह साहब से और उनका सिलसिला है आगे और जाहिर है दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है तो एक रिसाले का दरस वो दे दें और एक रिसाले का दरस उनके ताज़ा ताज़ा दोस्त रियाद हुसैन शाह वो भी दें ताकि आला हजरत का माक़ अहले सुन्नत के सामने ये चारों हस्तियां पेश कर दें आला हजरत की बोली में हमें समझा दें कि मसला ये है तो फिर हम सर तस्लीम खम कर देंगे और ये बड़ी ही आज़ाना इल्तमास है जनाब मुजफ्फर शाह साहब की बारगाह में कि आप ही हमें समझाएं और इनसे भी हमें वजाहत दिलवाएं कि आला हजरत ने इस मसले में क्या मौक़ इख्तियार किया है और हजरत मेरे माविर रजीला की शान को किस अंदाज से वाजे किया है आप हजरात ये वाजे करें और अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर इन शोटों को अल्लाह ताली तोफीक देगा हम इन श भरपूर अंदाज से वाजे करेंगे और फिर बताएंगे कि मसल के आला हजरत हजरत अमीर मीर मुब रजील के बारे में क्या है बेहतर यही है कि ये जो दहाइयों से मसल के आला हजरत के नुमाइंदे बने हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है वही इस मसले को आला हजरत की जुबान से बयान करें अगर उन्होंने नाम बयान किया तो ये फिर मुजफ्फर शाह साहब से हमारा आखिरी मुतालबा होगा और उसके बाद शाह साहब सफाइयां ना देते फिरें कि दुरुस्त है और फलां गलत है दो रंगी छोड़ या एक रंग हो जा या सरासर मोम हो या संग हो जा इस पॉलिसी को छोड़कर हक के साथ खड़े हो जाएं मसले को वाजे कर दें तो बेहतर है वरना इंशाल्लाह हम खुद ही वादे करेंगे अल्लाह तौफीक तो फरमाए